हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं सिटीज़ पॉलीलाइन लिमिटेड के स्टॉक की। आज इस स्टॉक में फिर अपर सर्किट लग गया है। ये स्टॉक अब 40.45 की प्राइस पे ट्रेड करता दिख रहा है एट 2 PM। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल जरूर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले यदि नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज़ में देखो, अब इस स्टॉक में बड़े रैली हो चुकी है। 21.47% की रैली हो रही है और इसमें सर्किट पे सर्किट ही लगते दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ का डाटा देखो तो लोअर सपोर्ट लेवल से इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 29.65% के राउंड रैली देखने को मिली है। तो 24.60 का लेवल बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। यहाँ से इस स्टॉक में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिल चुकी है। बहुत ही शानदार रैली हो रही है। तो यदि इस स्टॉक का 6 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे 493% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पहले से ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो, ये 70 के लेवल को भी क्रॉस करता दिख रहा था, लेकिन फिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हुई है। लेकिन आजकल फिर अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, ये ऐसे ही मूव करते हैं। कई बार शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं, लेकिन कई बार शॉर्ट टर्म में नीचे भी आ जाते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस। यदि एक स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं, वैल्यूएशंस लोअर हैं पे एंटर कर रहे हो आप, तो फिर आपके पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क भी होता है। यदि इसकी वैल्यूएशन देखो, PE रेशो 500 को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो न्यू फ्रेश इंटरेस्ट इस स्टॉक में लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी स्टॉक हो, उसकी जो प्राइस होती है अर्निंग के हिसाब से ही मूव करती है। तो यहाँ पे जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो अर्निंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। मार्केट कैप भी इसका जो है 204 करोड़ के अराउंड देखने को मिला हुआ है। यदि इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखो तो ये भी 493% की ग्रोथ शो कर रही है। दोस्तों, कंपनी एक प्लास्टिक सेक्टर की कंपनी है। यदि लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर देखें तो वो टोटली नेगेटिव हैं। तो यही एक बड़ा कारण है इस स्टॉक में गिरावट का, क्योंकि नेगेटिव नंबर आने के कारण इस स्टॉक में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है। जून क्वार्टर के नंबर देखें तो यहाँ पर जरूर पॉजिटिव ट्रेंड था। मार्च में कंपनी के नंबर मिक्स देखने को मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर किस तरह के आते हैं। यदि कंपनी दिसंबर में अच्छे नंबर पेश कर देती है तो फिर इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। बहुत ही 70 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि कंपनी के नंबर्स नेगेटिव रहते हैं तो फिर इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं उन पर फोकस रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, कंपनी डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। एक अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप बहुत ही कम है और इसका जो प्रमोटर आप देख सकते हैं उनका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। मतलब कंपनी एक ज़ीरो डेप्ट कंपनी है। कंपनी ने के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कोई भी डेप्ट नहीं ले रखा है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केट कैप 200 करोड़ के राउंड निकल कर आ रहा है, जबकि प्राइस टू बुक रेशो 11 के राउंड है और थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई जरूर दिख रही हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए अलर्ट भी रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकती है। यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म में पहले ही ये स्टॉक शानदार रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। 1 ईयर के रिटर्न्स देख लो या 3 ईयर्स के रिटर्न्स देख लो, एक्सलेंट रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इनके इन्वेस्टर्स की जो पैसा है शानदार जो है ग्रोथ शो कर रहा है। और सितंबर में इस कंपनी के नंबर जो है वो रिड्यूस हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी मार्केट सेंटिमेंट्स भी इतनी पॉजिटिव नहीं है। 33% लोग बाई की कॉल दे रहे हैं, 33% लोग सेल की कॉल दे रहे हैं, 34% के राउंड होल्ड की कॉल दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा यही कहना है, यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हो, डिप्स में बाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू की ग्रोथ भी पॉजिटिव ही निकल कर आ रही है। लास्ट 5 ईयर्स का डाटा रेवेन्यू में ग्रोथ शो कर रहा है। और यदि इस कंपनी की ROE परसेंटेज देखें तो वो स्लोली स्टेडली रिड्यूस होती दिख रही है। लेकिन 21 के कंपेरेटिवली 22 में कंपनी ने अच्छी रिकवरी भी शो की है। 22 में इस कंपनी की ROE परसेंटेज बढ़ती दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू द ROE परसेंटेज ऑफ 21।
डेब टू इक्विटी रेशो भी आपको जो है रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है इन द लॉन्ग टर्म। होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है, 57% के राउंड है, और पब्लिक की होल्डिंग 43% के राउंड निकल कर आ रही है। ये एक अच्छी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो एक अच्छी बात होती है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूएशन, इसकी जो प्राइस टू बुक रेशो है 11 के राउंड चल रही है। इसकी कंपैरेटिवली जो दूसरी कंपनीज हैं, पोलो पाइप्स हैं और कंपनीज हैं, नाहर पॉली फिल्म है, उनके कंपैरेटिवली वैल्यूएशन थोड़ी हाई हैं और आरओई परसेंटेज अभी लो है। तो कंपनी को अभी और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। कंपनी यदि आने वाले टाइम में अपनी आरओई परसेंटेज इंप्रूव करती है, फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करती है, तो ज़रूर अच्छा ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी नहीं आए हैं। यदि कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर हो जाते हैं, अच्छे रहते हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट जरूर पॉजिटिव हो जाएंगी। अभी करंटली मार्केट सेंटिमेंट्स इतनी पॉजिटिव नहीं है। हाँ, अपर सर्किट जरूर लग रहा है, ये एक पैनी स्टॉक है, एक एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अच्छे नंबर पेश करेगी, तो इसी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में अब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो अगेन दोस्तों, हम आपका थैंक्स कहना चाहेंगे। 24 के लेवल के अराउंड इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है, जबकि इसका जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आप देख सकते हो 42 के राउंड है, और उससे ऊपर इसका 50 के राउंड जो है रेजिस्टेंस लेवल है। तो 24 का सपोर्ट इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। यदि नंबर्स पॉजिटिव रहें तो ये स्टॉक 50 के लेवल को भी आपको क्रॉस करता दिखाई दे सकता है इन द नियर टर्म। लेकिन यदि नंबर नेगेटिव रहे तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन की तरफ भी जाता दिखाई दे सकता है। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये इसका जो है करंट कंसोलिडेशन रेंज आप लेके चल सकते हो। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल एनालिसिस करके फिर ही किसी स्टॉक में निवेश की राय देते रहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, स्टॉक मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। कभी यहाँ पे देखो रैली होती है, स्पेशली जो पैनी स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं वो जल्दी रिच बनना चाहते हैं, तो इस चक्कर में वो क्या कहते हैं, पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हम आपको यहाँ पर डिटेल निवेश की राय देते रहते हैं।